खबर खैरागढ़ से है, जहां होलिका दहन के समीप बनी टीटीएस की टंकी बनी हुई थी। जब से बनी है तब से एक बार भी चालू नहीं हुई है। ना तो बोर का पता है और ना ही समरसेबल का पता है। गंदगी भरी माहौल बन गया है। जानवरों को रहने का स्थान यहां पर बना है। इससे गंदगी फैल रही है, बीमारी फैलने का डर है। धीरे धीरे गंदगी अपना पैर पसार रही है, जिसमें डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारियां इस मोहल्ले को कब्जे में ले रही है। ग्राम बस्ती वालों में मचे हड़कंप है। इसकी शिकायत नगर पंचायत से करते हैं, शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। नगर पंचायत अध्यक्ष और शासन प्रशासन उनसे आग्रह किया गया है कि इस गंदगी भरे माहौल की तरफ ध्यान दे और इस समस्या से निजात दिलाए। जहां पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या को नगर पंचायत द्वारा पानी की समस्या को दूर किया जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिश्चंद नागर है। सर आपकी परेशानी है? परेशानी ये है कि हम यहाँ से गुजरते हैं तो इस समय जो लाखों रुपए से बनाई हुई टीटीएस की कंपनी जो टंकियां हैं पानी की, टीटीएस के द्वारा बनाई गई ये पानी की टंकियां पेयजल समस्या को दूर करने के लिए होती है। यहाँ पर ये देखिए कि इस टंकी को जब से बनी है अभी तक चालू नहीं हुई, ना ही अभी तक कोई पानी आया है जिससे कि यहाँ के कुछ लोगों की जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। यहाँ इस समय ये देखिए इस समय किस कदर से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को कैसे हम देश को मान बना सकते हैं जब तक इस तरीके से गंदगी का भरा माहौल रहेगा। यहाँ पर ये देखिए किस कदर से बनी है, खंडर होने जा रही है और यहाँ पर गंदगी देखिए। इस समय इन गंदगी से तमाम भयंकर बीमारियाँ फैलने का भय है और इस समय बीमारियों का दौर चल रहा है। हमारे डीएम साहब इसका दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में ये नहीं आता कि ये जब तक ये स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियों से हम दूर कैसे रहेंगे। हम और हमारे बच्चे और माहौल हमारा सुरक्षित नहीं रह सकता है जब तक ये गंभीर गंदगियां रहेंगी तब तक। R9 भारत के लिए संजय सिंह तोमर की रिपोर्ट, आगरा। बीते दो दिनों पूर्व अपनी रिश्तेदारी में गए बाइक का सवार युवक का शव सड़क किनारे गड्ढे में दो दिन बाद पड़ा मिला। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी भी दर्ज कराई। फिलहाल परिजन युवक की मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के जटवारा जदीद निवास रेशमा देवी पत्नी सुभाष चंद दिवाकर ने शहर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। रेशमा ने कहा कि उनका 25 वर्षीय पुत्र सुमित उर्फ कल्लू बीते 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे मेरी मौसी मीरा पत्नी जगदीश निवासी कपूरापुर मानी मऊ कन्नौज घर गया था, जो अभी तक वापस नहीं लौटा। मंगलवार देर शाम को थाना कमालगंज के खोदागंज सड़क के किनारे गड्ढे में एक युवक मृत अवस्था में शव मिला। पास में ही उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। पुलिस ने जांच की तो शव की शिनाख्त सुमित उर्फ कल्लू के रूप में हुई, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। वही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भैया नाम क्या है आपका? राजू। कहाँ रहने वाले हो? अच्छा, जो डेड बॉडी मिली है आपके, कौन है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुमित। अच्छा, क्या कारण था जो इनकी डेड बॉडी मिली है? अब ये पता नहीं, परसों से ढूंढना हूँ। परसों के बाद परसों ही बता रहे हैं यहाँ एक्सीडेंट हुआ, परसों बता रहे हैं, और परसों से आज पता चला है वहाँ लाश मिली है। अब ये पता नहीं चला इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई पुरानी रंजिश है क्या? अब रंजिश तो कहीं नहीं भाई, लेकिन गाड़ी में भी कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी का कोई अगला या पिछला कोई हिस्सा भी नहीं टूटा है, हर स्टैंड टूटा हुआ है। कौन सी गाड़ी है? HF डीलक्स। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये वहाँ गुरसाहिबगंज से आ रहे थे। यहाँ कोई रिश्तेदारी है क्या? नहीं, गुरसाहिबगंज ये गए थे अपनी ननिहाल में गए थे। ये मालिक मऊ कपूरा को। पुलिस क्या कह रही है? आप पुलिस देखो क्या बताती है, जो भी हम लोगों को बता देती है भाई हम सुन लेते हैं। आपको डेड बॉडी मिली है? हाँ, डेड बॉडी अभी तो हम देखने को मिल गई थी, अब वहाँ से पोस्टमार्टम भेज दिया है। आज दिनांक 26/10/2021 को सायं सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव तथा मोटरसाइकिल कस्बा खुदागंज थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के पास रोड के किनारे झाड़ी में पड़ा है। उक्त सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची तथा जानकारी की तो पता चला कि मृतक का नाम सुमित उर्फ कल्लू, उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र सुभाष दिवाकर मोहल्ला जेटवारा जदीद थाना फरुखाबाद का निवासी है। दिनांक 24/10/2021 को सायं घर से ये कहकर निकला कि फरुखाबाद मार्केट जा रहे हैं, लेकिन घर वापस नहीं आया। पारिवारिक जनों ने रिश्तेदारों पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि मृतक अपनी
मां के मामा जगदीश पुत्र भीमा निवासी कपूरापुर थाना कन्नौज के घर समय लगभग 2100 बजे गया था। 10 मिनट रुकने के बाद ये कहकर चला आया कि काम बहुत है, अभी घर जाना है। लेकिन जब घर नहीं पहुंचा तो काफ़ी ढूंढने के बाद ना मिलने पर पारिवारिक जनों ने कोतवाली फरकाबाद में गुमशुदगी दर्ज कराई। मौके की स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है। फिर भी मृत्यु का कारण जानने के लिए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट फरुखाबाद।